हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं बेबी चौबे। स्वागत करती हूं आप सबका अपने सबका अपने चैनल चौबे फूड हब में। तो आज हम काबली चने के छोले बनाने वाले हैं। तो ये देखिए, 200 ग्राम हमने लिए हैं काबली चना, और इसे हम रात में भिगो दिए थे। आप चाहे तो दिन में भी भिगो सकते हैं। इसे 6 से 7 घंटे तक भिगोया जाता है, तब ये फूलता है। तो ये हम रात में भिगो दिए थे। और यहाँ पर हम 2 बड़े प्याज काटे हैं और 1 तेज़पत्ता लिए हैं, और यहाँ हम लहसुन छील लिए हैं, थोड़ा सा अदरक है, और यहाँ लाल मिर्च पाउडर है, यहाँ थोड़ा सा हम गोल मिर्च बुक लिए हैं, इसे कूट के लिए हैं, हल्दी है, और ये लाल मिर्च है 2, और ये दालचीनी है, और 2 ठो हमारा ये इलायची, बड़ी इलायची है, धनिया पाउडर है, जीरा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे कि कुकर में पहले बॉयल करेंगे। हम इसे कुकर में बॉयल करेंगे। आप चाहें तो कुकर में पहले मसाले भून कर और उसके बाद ये छोले बना सकते हैं। इसे उबालना नहीं पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पे 1 सीटी लगाएंगे। तो सारे चने डाल लिए हम, और यहाँ पर हम 1 गिलास के अनुसार पानी डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे। उसके बाद हम 1 सीटी लगाएंगे इसे। ये देखिए, चना का हम 1 सीटी लगाए हैं, और ये कुकर ठंडा हो चुका है, सीटी भी हमारा निकल चुका है। तो ये हम दिखाते हैं। ये देखिए, चना हमारा बिल्कुल अच्छा हुआ है, पक चुका है, ज़्यादा हम इसे गलाए नहीं हैं, ये पक चुका है। तो अभी इसे हम निकाल लेंगे। हाँ फ्रेंड्स, तो ये देखिए, एक हम पैन चढ़ा लिए हैं, और पैन में थोड़ा सा हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पे रिफाइंड डाले हैं, और थोड़ा सा गर्म होने के बाद प्याज डाल देंगे, जो कि हम 2 प्याज काट लिए थे, तो इसे हम डाल देंगे, और लहसुन डाल देंगे। और इसमें 4 हम लौंग डालेंगे। और थोड़ा सा इसे हम नरम कर लेंगे, हमें ब्राउन नहीं करना है, हमें नरम करना है प्याज को। ये देखिए, प्याज हम नरम कर लिए हैं, और इसे हम निकाल लेंगे। हमें इसे ग्राइंड करना है, तो हम मिक्सी जार में निकाल रहे हैं। ये देखिए, प्याज और लहसुन का पेस्ट हम बना लिए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। और ये 2 टमाटर लिए हैं, और इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको हम टमाटर को ग्राइंड कर लेंगे, और इसी में हम अदरक डाल देंगे, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर हमारा ग्राइंड हो चुका है, तब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए, कढ़ाई हम चढ़ा लिए हैं। आप चाहे तो कुकर में भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम कढ़ाई में बना रहे हैं। तो इसमें हम तेल डालेंगे, छोले में थोड़ा सा तेल ज़्यादा लगता है, यहाँ पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा तेल। और इसके बाद से हम 1 तेज़पात लिए हैं, उसे हम डाल देंगे, और थोड़ा सा हम जीरा लिए हैं, उसके बाद से हम जीरा डाल देंगे, थोड़ा सा हम जीरा पाउडर भी लिए हैं, और ये खड़ा जीरा है, और थोड़ा सा दालचीनी है,
दो टुकड़े तीन टुकड़े हम कर लिए हैं, इसे डाल दिए। और दो हमारा लाल मिर्च है, इसे भी डाल दिए। और दो इलायची है बड़ा वाला, इसे हम थोड़ा सा कूट लिए हैं, इसे भी डाल देंगे। बहुत स्वादिष्ट होगा ये छोला, आप हमारे रेसिपी के अनुसार ही बनाएं। और इसके बाद से जो मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर, इसके बाद से जो मसाले लिए हैं उसे डालेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया पाउडर डालेंगे, और इसी में हमारा जीरा पाउडर भी है तो हम डाल लिए। और उसके बाद से हम हल्दी डाल देंगे, और गोल मिर्च जो हम कूट लिए हैं उसे भी डाल देंगे। और उसके बाद से हम मिर्च पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा इसे हम भून लेंगे। और उसके बाद प्याज हम बारीक से पीस लिए हैं, ग्राइंड किए हैं, उसे डाल लेंगे। मसाले तो हमारे भुना चुके हैं और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब इसमें हम जो टमाटर हम ग्राइंड किए थे उसको डाल लेंगे, और इसे हम मिला लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एक बार ऐसे ही छोला बनाकर आप लोग देखिए, बहुत अच्छा होगा, बहुत स्वादिष्ट होगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार ऐसे ही मेरे रेसिपी के अनुसार बनाएंगे। तो अब हम टमाटर को 2 से 3 मिनट तक इसे भून लेंगे, आँच मीडियम रहेगा। ये देखिए मसाले हमारे भुना चुके हैं, और जब ये तेल छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि मसाले भुना चुके हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इसे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इसे हम मिला लेंगे। हम इसमें चना डाल देंगे, जो हमारा काबुली चना जो हम बॉयल किए हैं उसे डाल देंगे। चना हम ज्यादा नहीं पकाए हैं, बिल्कुल अच्छा पका है। अब इसे हम बराबर से मिला लेंगे। बहुत स्वादिष्ट होगा, आप एक बार जरूर बनाएं। और जितने मसाले डाले हैं उतना ही डालें, बहुत स्वादिष्ट होगा। ये नमक अपने अंदाज से डालें, और हम इसे मिला लेंगे। अब इसे अच्छा से मिला लेंगे। एक मिनट तक इसे हम भूनेंगे। देख रहे हैं मसाले हमारे को कितना सुंदर लग रहा है देखने में, उतना ही सुंदर लगेगा खाने में, और स्वादिष्ट भी बहुत हुआ है। ये देखिए ये देखिए मसाले हमारे भुना चुके, और चना डालने के बाद भी हम 1 मिनट तक इसे भुने हैं। अब हमारा मसाले पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। आपको जितना ग्रेवी चाहिए उसके अनुसार आप पानी डाल सकते हैं इसमें। और अच्छा से मिला लेंगे पानी डालने के बाद। और इसे हम 1 मिनट तक और पका लेंगे पानी डालने के बाद। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, और गरम
मसाला डालने के बाद हम थोड़ी देर इसे पकाएंगे, बिल्कुल थोड़ी देर, आधा मिनट से भी कम पकाएंगे। छोले तो हमारे तैयार हो गए और ये देखिए कितना सुंदर और कितना कलर और स्वादिष्ट भी उतना ही हुआ है। तो आप ऐसे ही बनाएं हमारे रेसिपी के अनुसार और बनाकर एक बार ट्राई जरूर करें। चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं।